चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी से ज्वाइन करो। अभी करीब 15-16 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, 16-17 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, अगर लेट करोगे मीटिंग लॉक कर दूंगा 5 मिनट के बाद, उसके बाद कोई एंटर नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। अब जरा देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कार की रेस्ट जीरो है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है। बेटा बोर्ड साफ नहीं है क्या? बेटा बोर्ड क्लियर आप लोगों को कि नहीं? ब्लर है? और किसी को? सब कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है? तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, अभी तब तक कपिल जी कर देंगे उसे। ठीक, चलो अभी कर देंगे, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तब तक क्वेश्चन लिख दूं, तब तक कपिल जी कर रहे हैं उसे। ठीक ठीक है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम After that, decelerates with beta meter per second square and comes to rest इन टाइम कम्स टू रेस्ट एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन इज कैपिटल टी। टोटल टाइम ऑफ मोशन कैपिटल टी है। आपको क्या बताना है? मैक्सिमम velocity of car and total distance traveled. अब क्या कहानी है, मैं क्या कह रहा हूं, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। पहले डायग्राम बनाते हैं, एक एक करके चीजों को देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे कार चल रही है, कार सीधी लाइन पे चल रही है, ध्यान सुनो। इनिशियल वेलोसिटी कार की जीरो है, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट अल्फा एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, इससे एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। यहां पर पहुंचने के बाद इस पे डी एक्सेलरेशन लगने लगा। डी एक्सेलरेशन कैसा? बीटा। अब गाड़ी की स्पीड घटेगी, घटते घटते फाइनली गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? जीरो हो गई। और यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कैपिटल टी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, ध्यान सुनो, आपको बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब क्वेश्चन क्लियर है सबको? सबको क्वेश्चन क्लियर है? ट्राई करना चाहोगे या मैं कराऊं? ट्राई करना चाहोगे मैं कराऊं? करोगे? चलो करो करो करो, कोई बात नहीं करो। मैं एक चीज बता देता हूं, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां तक बढ़ी, इसके बाद घटेगी, इसका मतलब इस जगह पर वेलोसिटी कैसी है? मैक्सिमम है, क्योंकि इस मोमेंट तक वेलोसिटी बढ़ रही थी, इसके बाद घटना शुरू होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब कब तक है? जब तक अल्फा लगा, और जैसे ही बीटा स्टार्ट हुआ वेलोसिटी घट रही है। यस और नो? यस और नो?
बच्चों ठीक है, करो अब फटाफट करो। चलो करो, कोई बात नहीं, जल्दी। डन फर्स्ट पार्ट। क्या आंसर आया हर्षित? हर्षित आंसर क्या है फर्स्ट पार्ट का? हर्षित व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट? चलो कोई बात नहीं, हाँ शायद गलत आंसर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब आप देखो, एक मिनट, आप ऐसे देखो, मान लो टी वन टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ और ये टाइम हो गया टी माइनस टी वन, ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यहां से यहां तक का टाइम टी वन, तो आगे का टाइम कितना? टी माइनस टी वन, ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें पहले मैं इसके लिए लगाता हूं, फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए लगाता हूं, तो क्या आया? v मैक्स फाइनल u जीरो अल्फा टी वन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब मैं इसको इनिशियल लेता हूं, इसको फाइनल लेता हूं, तो फाइनल इज व्हाट? जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस बीटा टी माइनस टी वन, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ऐसा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा। दिस इज सेकंड इक्वेशन, यानी कि क्या आ गया? वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टी माइनस टी, सॉरी, टी माइनस टी वन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? v max दोनों का इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर दें तो क्या आ गया? अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t माइनस t1, तो हमारे पास क्या आ गया? t1 इज इक्वल टू बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, ये आ गया कि नहीं आ गया? t1 आ गया बेटा, जल्दी बोलो। बच्चों चेक करो यार, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ये आ गया। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहां डाल दूं, आई विल गेट वी मैक्स, यहां डाल दूं तो आई विल गेट वी मैक्स और नॉट, तो वी मैक्स कितना आ गया? वी मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया, एक आंसर आ गया। आ गया बच्चे की नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा इसको हम S1 कह दें और इसको हम S2 कह दें, तो टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2। तो अब S1, S1 इज U, U जीरो है, जीरो इंटू T1 प्लस हाफ अल्फा T1 स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? S1 इज हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। आपको T1 पता है बेटा, पता है कि नहीं पता T1, जल्दी बताओ, आपको T1 पता है कि नहीं? पता ना T1? ठीक है, तो T1 की वैल्यू डाल करके, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट, अब S2, मैंने एक इक्वेशन और बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, एक इक्वेशन बताई थी, S इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इंटू T माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बताया था ऐसा कुछ, याद है? याद है कि नहीं है? तो एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी इसकी मुझे पता है जीरो, तो S2 इज इक्वल टू जीरो इंटू टी माइनस टी वन माइनस हाफ इंटू माइनस बीटा इंटू टी माइनस टी वन का होल स्क्वायर, यस और नो? तो अब S2 कितना आ गया? S2 इज इक्वल टू हाफ बीटा टी माइनस टी वन का होल स्क्वायर। अब आपको अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस इज एडिशन ऑफ बोथ, एस इज एस वन प्लस एस टू, और एस वन और एस टू में आपको टी वन की वैल्यू डालनी है, आ जाएगा आंसर कि नहीं आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, आ जाएगा आंसर कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। टी वन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा।
अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान सुनो। पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, v1, v2 and v3 आर एवरेज वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल t1, t2 and t3। आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ठीक है, इतनी बात। पहला, इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू तीसरा, चौथा, ये चार ऑप्शन हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। अब सबसे पहले आपको इशू यह है कि आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि है क्या क्वेश्चन। बस एक चीज है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन यूएम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो कैसा मोशन है यूएम, सीधी लाइन पे चल रहा है पार्टिकल, ये भी दिया हुआ है। अब क्या कहानी हमारे पास, अब जरा देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा है, इसमें तीन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम है। पहला इंटरवल ये टी वन टाइम इंटरवल है, ये टी टू है और ये टी थ्री है। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए गिवन नहीं है। इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी वी वन है, इसमें वी टू है, इसमें वी थ्री है, तो आपको ये वाले ऑप्शन में से चूज करना है कैसे करना है। कुछ बच्चों ने फोर्थ आंसर दे दिया, बाकी लोग फोर्थ आंसर नहीं है बेटा आदित्य, फोर्थ आंसर नहीं है, इतनी जल्दी आएगा ही नहीं, पहले तो कोशिश प्रॉपर करो, तुक्का नहीं मारो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी वी वन है, इसमें वी टू, इसमें वी थ्री है, आगे कि नहीं आ गया बच्चों, जल्दी बताओ यार। अब मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखाई थी, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, याद करो, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू इंटू टी। अब एक बात तो, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट,
एस अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, ये भी लिखाया था मैंने, शायद बताया था कि नहीं बताया था आपको। देखो मैंने जो जो पढ़ाया ना सबको यूज करूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बोलो। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब करते हैं अगले पेज पे, देखते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a, वो तो हमें गिवन ही है कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब आप देखो आदित्य वन भी आंसर नहीं, तुक्के क्यों मार रहा है, मुझे करने दे। अब यहां ध्यान दो बेटा, देखो मैं जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराऊंगा वो आपसे पहली बार में नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो कम से कम दिमाग लगाओ, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैं कर रहा हूं सोचो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया कि मुझे एवरेज वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल में चाहिए, तो यहां की वेलोसिटी प्लस यहां की वेलोसिटी अपॉन टू विल बी एवरेज वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी प्लस यहां की वेलोसिटी अपॉन टू विल बी एवरेज वेलोसिटी। मैं इस चीज को यूज करूंगा, ये देखो मैं कर क्या रहा हूं। अब दिमाग चलवाना शुरू करो, यू मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं तो v किसी भी समय की वेलोसिटी होती है u प्लस at, तो इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v डैश विल बी इक्वल टू u प्लस at1। होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, अब यहां से यहां, यहां पर जो वेलोसिटी होगी v डबल डैश विल बी इक्वल टू u प्लस a T1 प्लस T2, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यहां पर जो वेलोसिटी होगी V ट्रिपल डैश विल बी U प्लस A T1 प्लस T2 प्लस T3, ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। अब उसने क्या बोला कि इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, एवरेज वेलोसिटी v1 इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी v डैश प्लस u अपॉन 2। हाँ या ना, जल्दी बताओ, यही है कि नहीं है, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो कितना आ रहा है, 2u प्लस a t1 अपॉन 2 v2 फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, तो v डबल डैश प्लस v डैश अपॉन 2, यानी कि 2u प्लस 2a t1 प्लस a t2 अपॉन 2। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है किसी को, जल्दी बोलो। नहीं, तीसरा v3 v ट्रिपल डैश प्लस v डबल डैश अपॉन 2, यानी कि 2u प्लस 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस ए टी थ्री अपॉन टू। यस ओनो, यस ओनो, जल्दी बोलो बेटा। अब खेल क्या है बेटा, ध्यान सुनो, अब खेल हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है, वी वन माइनस वी टू अपॉन वी टू माइनस वी थ्री। तो पहले हम वी वन माइनस वी टू निकालते हैं, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू करता हूं, दिस माइनस दिस, तो टू यू से टू यू कट गया। ठीक है, कितना आ गया, माइनस ए टी वन माइनस ए टी टू अपॉन टू, ये आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, यही आएगा कि नहीं आएगा, टू यू से टू यू कट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है मुझे, वी टू माइनस वी थ्री, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, टू यू से टू यू कट गया, टू ए टी वन से टू ए टी वन कट गया, क्या आ गया, माइनस ए टी टू माइनस ए टी थ्री अपॉन टू। अब इन दोनों का रेशो, वी वन माइनस वी टू अपॉन वी टू माइनस वी थ्री इज इक्वल टू
टी वन प्लस टी टू अपॉन टी टू प्लस टी थ्री। कौन सा आंसर आया जल्दी बताओ, कौन सा आंसर आया जल्दी बताओ, कौन सा आया बेटा, कौन सा ऑप्शन आया बच्चों? दोनों को डिवाइड करके देखो, सेकंड आ गया कि नहीं आ गया। तो इतनी जल्दी आंसर मत बोला करो, ठीक है भाई? कोई इशू है इसमें? नहीं, ठीक है, कोई इशू किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आज आपका काम और बढ़ जाएगा उसी बुकलेट में, ध्यान रखना। आज आपको उस बुकलेट में ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने आपको थोड़ा और पढ़ा दिया, क्लियर है? तो आज मैं आपको काम फिर बता दूंगा क्या करना है, ठीक है बच्चों? बच्चों बात क्लियर है? अब सुनो, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो पहले वाले नहीं हुए तो मैंने कौन सा आपसे काम मांग लिया अभी, ठीक है? दो तीन दिन का टाइम दे रहा हूं करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, ध्यान सुनो। ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। लक्ष्य रेलन कह रहा है 60% क्वेश्चन हो पा रहे हैं। लक्ष्य उसमें कुछ फालतू क्वेश्चन भी हैं जो अभी आपको नहीं कराए गए हैं, ठीक है? और 60% हो रहे हैं तो बहुत हो रहे हैं, ठीक है? अगर 100% कर लेगा ना तो फिर तू आकर के यहाँ पढ़ा ले, फिर मेरा काम खत्म हो जाता है, हाँ या ना? अगर सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है, फिर तो मैं साइड हो जाऊं, है ना? अरे यस ओ नो, फिर टीचर की क्या जरूरत है? टीचर तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं उसको पढ़ाने का, ठीक है? तो सबसे सारे क्वेश्चन किसी से नहीं होते, ये ध्यान रखना। ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स फ्रंट एज पासेज ट्री विद स्पीड यू, ठीक है, एंड लेटर रियर एज पासेज ट्री विद स्पीड वी। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन मिडल ऑफ ट्रेन पासेस ट्री। क्लियर है भाई? अब यहां आकर के आपके पास प्रॉब्लम आ गई कि जरा क्वेश्चन पढ़ो और जरा पहले क्वेश्चन समझ के दिखाओ मुझे। छोड़ो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन पढ़ने में लैंग्वेज क्लियर हो गई? बोर्ड दोबारा ब्लर हो गया, क्या हो रहा है यार ये? एक मिनट मैं चेक करता हूं, आप लोग रुको। ये तो बहुत बुरा हो गया यार। अब सही हुआ? थोड़ा सा चेक करो, अब ठीक हुआ है? एक काम करो बेटा,
विजिबल है। बेटा जिस किसी किसी का तो नेटवर्क ही चला जा रहा है। चलो कुछ वर्ड्स विजिबल हैं, बट आज पता है मौसम खराब हो रखा है, दोनों वाईफाई काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, पता नहीं क्या हो रहा है, दो दो वाईफाई है तब भी नहीं काम कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, देखो कोशिश करते हैं समझने की, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ। एक ट्रेन है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से सीधी लाइन पे चल रही है, ट्रेन है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से सीधी लाइन पे चल रही है, ठीक है। किसी पेड़ को उसका फ्रंट एज पास करता है कितने से, यू स्पीड से, और लास्ट एज उसका पास करता है वी स्पीड से। तो जब आपको स्पीड बतानी ट्रेन की, जब उसका मिडल एज पेड़ को पास कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। फिजिक्स की ब्यूटी यही है कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर डायग्राम बनाना है। तो देखो एक मिनट बना के दिखाता हूं आपको। मान लो आपके पास ये ट्रेन है, सीधी लाइन पे चलनी है, और आपका यहां पर पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, इतनी बात। अब ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, मान लो एक्सेलेरेशन कितना ए, और ये कांस्टेंट है, ट्रेन का फ्रंट एज पेड़ को पास करता है यू से, ये दे दिया, सुनते जाओ अभी एक मिनट। अब इसी पेड़ को यही ट्रेन का लास्ट एज ऐसे पास करता है कितनी स्पीड से, वी से, इस वक्त ट्रेन की स्पीड वी है। अब आपसे क्या बोल रहा है, जब ट्रेन मिडल ऑफ द ट्रेन इस सिचुएशन में, यहां पर इस वक्त ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये v डैश, ये आपको बतानी है। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, नहीं हुआ यक्षित, क्या चीज क्लियर नहीं है भाई, यक्षित 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 से पूछ रहा हूं, यक्षित क्या कहानी समझ में नहीं आई, अब देखना गायब हो गया बिल्कुल भाई। क्वेश्चन मैंने समझा दिया, डायग्राम मैंने बना दिया, अब क्या क्लियर नहीं आया ये बता दे। यक्षित पता नहीं कहां गायब है, चलो जाने दो। अब आप देखो एक मिनट, अब ट्रेन की लेंथ L मान लो, तो एक बात बताओ इस सिचुएशन में ट्रेन कितनी चल गई, L चल गई कि नहीं चल गई। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल है, कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद, एल। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एल, ये हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। अब इस सिचुएशन में देखो कितना चली ट्रेन, एल बाई टू, ये फाइनल और ये इनिशियल, तो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एल बाई टू, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, अरे यस और नो जल्दी बोलो, कितना आसान सा क्वेश्चन है, अरे हाँ या ना बच्चों जल्दी बोलो। अब आप एक काम करो, आप क्या कर दो, ये इक्वेशन वन है, इसमें एलसीएम ले लो, टू वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एल, ये सेकंड इक्वेशन लिख सकते हो, ऐसा ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, आपको ए और एल पता नहीं था, आपको वी और यू पता थे, ठीक है। तो अब आप एक काम करो,
सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो, क्या आ गया, टू वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये आता है कि नहीं आता, तो हमारे पास वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आ गया अपॉन टू, आ गई वी डैश, वी डैश कितना आ गया, वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू, ये आ गया। तो कितना बढ़िया रिजल्ट आया, आया बढ़िया रिजल्ट, यस और नो, है बढ़िया चीज, कितना आसान सा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब क्लियर हुआ बोर्ड या नहीं, बोर्ड क्लियर हुआ था थोड़ा सा कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है, नहीं हुआ अभी भी, कुछ लोगों का नहीं हुआ क्लियर, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास S इज इक्वल टू, पोजीशन इज इक्वल टू टू माइनस फाइव टी प्लस सिक्स टी स्क्वायर, ये दे दिया गया, ये S वर्सेस T है, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी किसी भी समय पे और एक्सेलरेशन किसी भी समय पे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो V होता है ds अपॉन dt, तो डिफरेंशिएट करोगे तो v टू कांस्टेंट है जीरो माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व टी, ये आएगा डिफरेंशिएट करके कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है आपको, माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व टी आएगा। अब आप टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलता जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, आप टाइम की वैल्यू डालते जाओगे आपको वेलोसिटी मिलता रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए, एक बार और ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू 12 आ गया और कांस्टेंट आ रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, कितनी आसान सी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, पार्टिकल अगेन स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस 8s, ये है v इज इक्वल टू 16 माइनस 8s, s इज पोजिशन, v इज वेलोसिटी, आपको क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नेचर ऑफ मोशन, नेचर मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्मली है, नेचर ऑफ मोशन ये बताना है। आप एक काम करो बेटा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8s, ऐसा हो गया, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं, देखो आज मैं करा रहा हूं अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस, ठीक है, काम खूब सारा दूंगा आपको करना होगा, अरे क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाले से, तो जरा देखो, u किसके बराबर हो गया 4 के और 2a बराबर हो गया माइनस 8 के, तो a बराबर हो गया कितना, माइनस 4, ये सुनो, जल्दी बताओ, ऐसी इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही, जल्दी बताओ, हाँ या ना। तो अब आप देखो कैसा मोशन हो गया, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ गया, माइनस फोर इज कांस्टेंट, कैसा हो गया यू ए एम, मानते हो या नहीं मानते हो, यू ए एम हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ यू इज 4, बेटा मैंने इस इक्वेशन के साथ में जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की थर्ड इक्वेशन है
उसके साथ इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करा तो यू स्क्वायर 16 है। यू स्क्वायर 16 का मतलब कैसे होता है, क्या होता है कृतिका? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशन हैं कि नहीं दोनों, जरा बता कृतिका। तो यू 4 आ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है इसमें? अब एक और चीज देखते हैं, डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं चैतन्य, डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है। चाहो तो मैं करके दिखा दूं उससे भी, मुझे कोई इशू नहीं है, वो बाद में करूंगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन। आज काम बहुत सारा दूंगा, ध्यान रखना, और आप लोग करोगे। पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम हाइट h ऑन ग्राउंड इन टाइम कैपिटल t, कैपिटल t टाइम में, ठीक है, पार्टिकल ग्राउंड पे गिरता है। अब फाइंड टाइम इन विच इट फॉल्स लास्ट हाफ द डिस्टेंस आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ दिस, इसके टर्म में आंसर होना चाहिए। मतलब क्या, क्वेश्चन देखो एक मिनट, ये एच हाइट का टावर है, यहां से पार्टिकल गिर गया, एक्सेलेरेशन जी, इसको टाइम टी लगता है जमीन पे पहुंचने में, तो वो कह रहा है ये आखिरी जो एच बाय टू है ये वाला, इसको गिरने में कितना टाइम लग रहा है, टी नॉट, ये टी नॉट निकालना है अपने टी के टर्म्स में। करना चाहोगे, करना चाहोगे बेटा? अरे करना चाहोगे या नहीं, मैं कराऊं? करना चाहोगे करो फटाफट, चलो जल्दी करो। और अब मैं काम देने वाला हूं आपको खूब सारा, नॉन मेडिकल की बुकलेट की पीडीएफ है सबके पास, नहीं है कोई बात नहीं, मेडिकल वाली तो है सबके पास ना, मेडिकल वाली है ना, हाँ ठीक है बेटा। मैंने ये नहीं कहा आप आज ही करके दो, मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मिले हैं, कोई बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा आज खत्म करोगे आप, आप इसको खत्म करने में 3-4 दिन लगाओगे, बाय मंडे मुझे सबमिट करोगे, हर बच्चा सबमिट करेगा अलोंग विद हिज नेम एंड बैच, और सारे क्वेश्चन एक साथ सबमिट करना। अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, कल मैं फिर अगला टॉपिक देखूंगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आया आंसर इसका? आंसर आया इसका कुछ? नहीं आया। देखो एक मिनट, आपके पास नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया कन्वेंशन सारी चीजें, तो अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है h, u जीरो है, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, t टाइम लिया था इसने नीचे गिरने में। अब आप एक काम करो, ये h बाई टू गिरने में कितना टाइम लगेगा, h बाई टू गिरने में कैपिटल t माइनस टी नॉट, तो इसमें भी सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, तो h बाई टू इज इक्वल टू यू जीरो है, हाफ g इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, h की ये वाली वैल्यू यहां डाल दो, कितना हो गया, हाफ इंटू हाफ g टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, हाफ जी से यह हाफ जी कट जाता है, अंडर रूट ले लो दोनों साइड, टी बाय रूट टू इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, मुझे टी नॉट बताना है तो टी नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी बाय रूट टू, आ गया आंसर आपके पास, आ गया भाई। अरे आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो,
आ गया। हाँ, अब एक बच्चे ने लिखा था, मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है भाई, जल्दी बताओ। प्राची, क्या डाउट है जल्दी बता। प्राची, डाउट क्या है? प्राची, अपना डाउट लिख फटाफट। प्राची बेटा, डाउट लिखो अपना। अच्छा ठीक है भाई, चैतन्य को समझ में नहीं आया। और प्राची तेरा डाउट क्या, मुझे समझ में नहीं आया तेरा डाउट। डाउनवर्ड में पॉजिटिव कैसे ले लिया, शाबाश। ठीक है प्राची, एक चीज होती है कन्वेंशन, हमारी मर्जी होती है कि हम किधर लें, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने क्या करा, आज सवाल करते हुए, क्योंकि सारी चीजें नीचे दिख रही थी, या मैं सबको माइनस ले लेता या सबको प्लस ले लू। माइनस लेता तो भी यहां भी माइनस आता, यहां भी आता, कट जाता। माइनस लेता, यहां भी माइनस आता, यहां भी आता, दोनों कट जाते कि नहीं कट जाते, जल्दी बता प्राची। तो अपने आप यही आता कि नहीं आता, तो मैंने लिया ही दोनों तरफ प्लस। ठीक है प्राची, अब आई बात किसकी, चैतन्य की, जो कि कतई सुनता नहीं है भाई। यहां से पार्टिकल को नीचे गिरना है, कितना टाइम में गिर रहा है, टी टाइम में। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली मैंने, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो एस कितना हो गया, एच जीरो इंटू कैपिटल टी, जीरो हो गया, हाफ ए की जगह क्या, जी, और टाइम कितना, टी स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, इसको आधा गिरने दिया। अगर टोटल टाइम टी है और नीचे वाला टी नॉट है, तो ऊपर वाला आधा गिरने का टाइम क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट। तो एच बाई टू इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टाइम का स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, ये एच बाई टू में एच की वैल्यू ये वाली डाल दी और सॉल्व कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत है भाई, किसी को, किसी को दिक्कत है बेटा, अभी भी बोल दो। नहीं, अब एक और चीज देखते हैं बेटा। और देखते हैं, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, बॉडी मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कवर्स फोर मीटर इन अच्छा एक मिनट, इसको कराने से पहले एक चीज बता दूं आपको, इसको कराने से पहले एक चीज बता दें। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी यू, एक्सेलरेशन ए, एंड ए कैसा, कांस्टेंट, ये टाइम जीरो, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ बेटा। ऐसे कहोगे आगे भी होगा, 6, 7 जो भी होगा। अब आप देखो एक मिनट, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, कहोगे कि नहीं कहोगे, पहले बताओ मुझे, कहोगे ना। इसको कहोगे आप 1 से 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, इसको आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, आगे इसको क्या कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, इसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, ऐसे कहोगे कि नहीं कहोगे बेटा, कहोगे कि नहीं कहोगे, जल्दी बताओ।
एक मिनट बेटा, एक फोन आ रहा है। मैम 10 मिनट बाद कॉल करें, मैं क्लास में हूँ। अब देखो बेटा, इसमें कोई डाउट है जो मैंने बनाया अभी? कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है भाई? नहीं। अब आप देखो एक मिनट, अगर मैं आपसे कहता हूं एस इन फिफ्थ सेकंड, तो एस इन फिफ्थ सेकंड को आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। यस ऑर नो? 5 सेकंड का पूरा डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड अगर मैं कहूं आपसे, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3। हाँ या ना? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड अगर मैं बात करूं, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2। यस और नो? ठीक है भाई, ये कहानी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड चाहिए, तो मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा बेटा। तो अब जरा देखो, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, और n माइनस 1 सेकंड का कितना हो जाएगा? u n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, कर दो सब्ट्रैक्ट, तब आ जाएगा एस nth। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज, सब्ट्रैक्ट करो बेटा, u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई, जल्दी बताओ मुझे, ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया बेटा? करके दिखाऊं सब्ट्रैक्ट? अरे यू एन से यू एन कट गया, माइनस माइनस प्लस यू, और यहां से हाफ ए कॉमन आएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है इसमें जो मैंने रिजल्ट बनाया? नहीं है। अब मैं आपको काम दे रहा हूं, पहले ध्यान सुनो, पहले मेडिकल की बुकलेट का ही दे रहा हूं काम, ठीक है? बता देता हूँ, नॉन मेड वाली मैं शाम को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं बुकलेट, तो शाम को जब मेरे पास होगी बुकलेट तब बताऊंगा। मेडिकल बुकलेट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, 1, 2, 12, 13 छोड़ दो अभी, प्योर वेक्टर का उसकी कोई जरूरत नहीं है। 12 के बाद आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, 243 यहां तक तो मैं दे ही चुका हूं आपको शायद। 43 के बाद बता रहा हूं बेटा, एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, 1, 2, 4, इसमें मिक्स है क्वेश्चन,
तो ध्यान से करना है, 6, फिर 8 से स्टार्ट करो, 8 से 22, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज 3, बाद में करेंगे, लास्ट में एज अ टेस्ट, ठीक है। नॉन मेड के ही बता ही देता हूं आपको, नॉन मेड के देखो भाई, नॉन मेडिकल, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, ये तो कल ही दे दिए थे और ये तो 10-12 ऐड किए। नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल में चैप्टर का नाम है मोशन इन 1D, अब इसमें एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14, सबको करने हैं भाई, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल कोई फालतू डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्वेश्चन आसान है, सबको करने हैं। 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, ठीक है, 20, 22, 23, 26, अब देखना 26 नंबर बच्चे पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, जबकि मैं करा चुका हूं तो भी पूछेंगे, तब गालियां खाएंगे, ठीक है। 26, 32, 33, इतने क्वेश्चन आपने करने हैं, क्लियर है भाई, ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लो, ठीक, चलो कल बात करेंगे अब।